हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफरेंट टाइप की गोभी की रेसिपी लेके आई हूँ, गोभी कोरमा करी की। तो चलिए फिर देख लेते हैं कैसे बनेगी ये। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उस पैन को मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है और उसमें मैं डालूँगी 3 से 4 स्पून के करीब ऑयल। ऑयल को भी काफ़ी अच्छे से पहले गर्म कर लूँगी और एक अनियन यानी प्याज को मैं लंबा लंबा स्लाइस करके इसमें ऐड करूँगी। और हमें प्याज को तब तक फ्राई करना जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि इसका हमें पेस्ट बनाना है, इसलिए इसको ब्राउन हम करके इसको अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये ब्राउन हो गया, इसको मैं अलग से एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा के निकाल लेती हूँ। अब उसी पैन में उसी ऑयल में मैं कुछ और नहीं डालूँगी, सिर्फ गोभी डालूँगी। गोभी को मोटे मोटे चंक्स में मैंने कट करके लिया है, इसको भी हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोभी को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा कोटिंग लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने में आपको ऑलमोस्ट बस 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा। इसको हम बहुत ही हल्के हाथों से चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे ताकि गोभी बिल्कुल ब्रेक ना हो, मतलब टूटे ना। ये लाइट ब्राउन हो गया है, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में चला के। ये देखिए कितना अच्छा इसके ऊपर कोट आया है लाइट ब्राउन कलर का। मैं एक एक करके सारी गोभी प्लेट में निकाल लूँगी। अब उसी पैन में उसी ऑयल में मैं डालूंगी कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने 2-3 टुकड़े बेलीफ के लिए हैं, लौंग लिए हैं 3 से 4, छोटी इलायची 2, काली मिर्च, और मैंने दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। इन सबको मैं ऑयल में अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। ये टोटल ऑलमोस्ट 1 स्पून के बराबर है पूरे खड़े गरम मसाले। और एक अनियन को मैंने मोटा मोटा फाइन इसका मैंने चॉप करके पेस्ट जैसा बना लिया है। इसको भी हम अच्छे से मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। ये 3 से 4 ग्रीन चिली यानी हरे मिर्च का पेस्ट मैंने बनाया है 1 स्पून पानी डाल के। इसको भी मैंने इसमें ऐड करके मिक्स कर लिया है। इसको भी हम 1-1.5 मिनट पहले फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, उसका भी रॉ फ्लेवर निकलने तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। कवर करके स्टर कर लेते हैं इसको अच्छे से। मसालों को हमें बहुत अच्छे से भूनना है ताकि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो पूरा अच्छे से निकल जाए मसालों का। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1/2 कटोरी के करीब काजू का पेस्ट है। मैंने 8 से 10 काजू को गर्म पानी में सोख होने के लिए रख दिया था 1/2 आवर्स पहले, आधे घंटे पहले। और फिर मैंने इसको ग्राइंडर में मैंने 2-3 स्पून पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया था और उसी को मैंने इसमें ऐड किया है। इसको भी चलाने के बाद अब कवर करके हम 3 मिनट अच्छे से कुक होने देंगे लो फ्लेम पे। 3 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेते हैं इसको अच्छे से। ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1/2 स्पून के करीब, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। थोड़े से सूखे मसाले मैं इसमें ऐड करूंगी। सॉल्ट अपने टेस्ट अकॉर्डिंग आप डालिएगा। मैंने इसमें 1.5 बड़े चम्मच डाला, यानी मीडियम स्पून से मैंने 1.5 स्पून करीब इसमें सॉल्ट डाला था। 2 स्पून करीब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। टर्मरिक डाला है 1/3 टीस्पून, 1/3 चम्मच के करीब मैंने इसमें हल्दी डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम थोड़े से पहले चला लेते हैं। देखिए ये 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से इसको भून लिया, पूरा ऑयल सेपरेट हो गया मसालों से। हम मसाला जितना अच्छे से भूनेंगे मसालों में फ्लेवर उतना अच्छा आएगा
और ये मैंने डाला है हाफ़ कप के करीब इसमें दही। इसको भी मैंने बीट करके डाला है। दही को मैंने डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डाल दिया निकाल के, इसको हल्का सा आप ग्राइंड कर लीजिए थोड़ा सा पानी डाल के दही को, और फिर इसमें ऐड कीजिए जिससे दही फटेगी नहीं मसालों में डालने के बाद। इसको भी लो फ्लेम पे मैं कवर करके 2 से 3 मिनट पकने दूंगी। ये देखिए 3 मिनट के बाद अब ये ब्राउन अनियन का पेस्ट है, इसको भी मिक्स कर लेते हैं क्योंकि दही भी बहुत अच्छे से मसालों में पक चुकी है। अब अनियन को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट के बाद तो मसाले जैसे ही पक गए 1 मिनट के बाद, तो उसके बाद मैंने इसमें गोभी ऐड कर दिया। धीरे से इसको हल्के हाथों से हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे मसालों में गोभी को। इसको कवर करके मैं 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी। ये देखिए 3 मिनट के बाद कवर हटा के मैंने चेक किया, गोभी कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है मसालों के साथ, मसाले भी ऑलमोस्ट पक चुके हैं, गोभी बहुत सॉफ्ट हो गई है, इसलिए हमें बहुत हल्के हाथों से इसको चलाना है। और ये मैंने 1 कप के करीब इसमें डाला है दूध। हम इस रेसिपी में बिल्कुल पानी नहीं ऐड कर रहे क्योंकि ये कोरमा करी है तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। इसको ही मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और ये रेसिपी आपकी नॉर्मल जो हम आलू मटर चाहे आलू गोभी जो हम घर पे रेगुलर बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है और इसका टेस्ट भी बहुत ही यूनिक है। ये देखिए 3 मिनट के बाद फिर मैंने कवर हटा के एक बार चेक कर लेती इसको मैं, और स्प्रिंकल करती हूँ गरम मसाला। ये 1 मीडियम स्पून के करीब मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। इसको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी मैं। अब इसको मैं बिना कवर लगाए पहले इसमें डालूँगी हरा धनिया। उसको कवर करके मैं 2 से 3 मिनट के लिए रख दूँगी। गैस का फ्लेम ऑलरेडी मैंने पहले ही ऑफ़ कर दिया था, उसके बाद मैंने गरम मसाला इसमें डाला था। अब 3 मिनट के लिए मैं फिर इसको ऐसे ही ओपन छोड़ दूँगी ताकि मसाले पूरे सेट हो जाए, और उसके 3 मिनट के बाद फिर इसकी मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बन के रेडी है गोभी कोरमा करी की रेसिपी। आप भी इसे अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी, इसका टेस्ट कैसा है। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।